फ्रेंड आज हम बनाने वाले हैं कुछ अलग ही बेस पे पेंटिंग, तो देख सकते हैं। और इससे आपको बहुत ही आसानी से सीखने वाली पेंटिंग है, इसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं और बहुत ही इजी पेंटिंग है। इसको हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। कलर में फ्रेंड हम हल्का रेड लिए हैं और वाइट कलर है, दोनों मिक्स किए हैं तो इस कलर का हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार हम इस पेंटिंग को कलर कर रहे हैं और किस किस कलर से मैच करा रहे हैं, देख सकते हैं। अब हम लेंगे वाइट कलर, ये देख सकते हैं वाइट कलर लिए हैं, फिर यहाँ पे हम वाइट कलर ही लगाएंगे केवल इस प्रकार। तो फ्रेंड हम वाइट कलर का यूज कर रहे हैं नीचे की ओर, इस प्रकार फ्रेंड हम वाइट कलर का ज़्यादा यूज किए नीचे की ओर, और ऐसे हम मिक्स कर देंगे। इस प्रकार मिक्स हुआ है, और इधर भी और वाइट कलर लगाएंगे इस प्रकार। फ्रेंड अब देख सकते हैं, अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे सड़क, तो सड़क में हम पहले ऑरेंज कलर लेंगे इस प्रकार, इस प्रकार ऐसे घुमा देंगे और ऐसे थोड़ा सा इधर ऐसे घुमाएंगे, फिर हल्का सा ब्लैक कलर लेंगे जो इस प्रकार यहाँ पे लगाएंगे। तो हम इसको छोटे के ब्रश से करते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे मिक्स किया है। फिर उसके बाद इधर से थोड़ा सा वाइट कलर लगाएंगे इस प्रकार, जैसे सड़क उभरा भरा दिखेगा ऐसे मिक्स करेंगे इस प्रकार। फ्रेंड देखते रहिए, अभी हम वीडियो को पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे और आप बताना कैसा बना है। तो फ्रेंड पहले हम डार्क हरा लेंगे नीचे की ओर, डार्क हरा लगाएंगे इस प्रकार, और फिर इसी में पीला कलर लगाएंगे, ऐसे हम मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा इससे बड़ा ब्रश लेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड, उससे थोड़ा समय लग रहा था तो इसलिए हम उससे थोड़ा सा बड़ा ब्रश ले लिए हैं। इस प्रकार हम इस कलर को मिक्स करेंगे, और साइड में थोड़ा इस प्रकार ऐसे बचा करके ऐसे हम मिक्स किए हैं इसे। तो फ्रेंड इस साइड में भी हम हरा कलर ही लगाएंगे, तो उसको भी हम इसी समय कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे। तो पीला कलर लेंगे, फिर पीला कलर को हरे कलर में मिक्स करेंगे तो लाइट कलर बनेगा, देख सकते हैं इस प्रकार। और निचले हिस्से में थोड़ा सा हरा कलर लगाएंगे इस प्रकार, जिससे पेंटिंग उभरी उभरी दिखती है, ऐसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें भी ऐसे मिक्स करेंगे, अब फिर हल्का सा पीला कलर लेंगे ऊपर के हिस्से में, पीला कलर और ज़्यादा मिक्स करेंगे इस प्रकार, मिक्स करेंगे बढ़िया से। फिर फ्रेंड देख सकते हैं, इसमें हम पीले कलर से यहाँ पे सूर्य की डिजाइन ड्रॉ करेंगे, ये देख सकते हैं इस प्रकार। देख सकते हैं फ्रेंड दिख रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड हम बनाएंगे एक इसी में पेड़ का चित्र, जो हमारा थोड़ा इस प्रकार होगा, ये बनाते हैं।
पहले हम ब्लैक कलर को लेंगे, उसके बाद उसी में हम रेड कलर मिक्स करेंगे ऐसे। इस प्रकार ऐसे मिक्स करेंगे बढ़िया से। फ्रेंड देख सकते हैं ब्लैक में रेड को मिक्स किया हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक पेड़ की स्क्रेचिंग ड्रॉ करूँगा। इस प्रकार जो होगा थोड़ा थोड़ा हिलते हिलते आएगा, ऐसा मत सोचना कि मेरा हाथ कांप रहा है। तो फ्रेंड इस प्रकार हम पेड़ की स्क्रेचिंग को ड्रॉ कर रहे हैं। पेड़ थोड़ा नीचे तक आएगा, इस प्रकार यहाँ तक पेड़ बनाएंगे हम, देख सकते हैं। ये पेड़ की शाखाएं जाएंगी थोड़ी दूर तक इस प्रकार, और यहाँ थोड़ा मोटा हो जाएगा डाल। फिर यहाँ से दूसरी शाखाएं निकलेंगी, फ्रेंड इस पेंटिंग को मैं बहुत ही खूबसूरत बनाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी और डाल निकलेंगी इस प्रकार से, और ये जो डाल जा रही है इसको थोड़ा सा और मोटा करेंगे ऐसे, और फिर इसी में से भी ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे शाखाएँ, अलग अलग शाखाएँ निकलेंगी देख सकते हैं इस प्रकार। इसको थोड़ा और ऊपर तक ले जाएंगे इस प्रकार, ऐसे कुछ शाखाएं बनाएंगे हम, और यहाँ पे कुछ स्टोन बना देंगे जो इस प्रकार होंगे, और इधर भी बना देंगे बड़ा सा स्टोन। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, दोनों साइड पे स्टोन बना दिए हैं हम। फ्रेंड फिर मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हाथ से इसका आउटलाइन दूंगा। जैसे कि ये सड़क वाली आउटलाइन होगी इस प्रकार, दूसरे साइड की भी होगी ऐसे। इस प्रकार हम आउटलाइन बना देंगे पहले, फिर उसके बाद मैं वाइट कलर लूँगा स्टोन में ऐसे ऐसे करूँगा, लगा देने से जैसे उभरा उभरा दिखेगा स्टोन। देख सकते हैं बहुत ही इजी है इसको बनाना। इधर थोड़ा सा और वाइट कलर लगाएंगे ऐसे। फिर फ्रेंड में पेड़ में थोड़ा सा येलो कलर लगाऊंगा इधर, और वाइट कलर भी रहेगा थोड़ा थोड़ा। देख सकते हैं अभी पेंटिंग काफ़ी गीली है। इस प्रकार फ्रेंड हम इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड हम थोड़ा सा घास बनाएंगे, इस साइड से देख सकते हैं। इस प्रकार हम इसको मिक्स कर रहे हैं, और फ्रेंड इसके बाद मैं बड़ा ब्रश लूँगा, पत्ती बनाने वाला ब्रश, उससे मैं पत्तियों के ड्रॉ करूँगा कुछ ऐसे। यहाँ पे पत्तियाँ बनेंगी
जानकर ये थोड़ी आगे तक पत्तियाँ आएंगी। फ्रेंड हम इसमें थोड़ा हरा कलर का यूज करेंगे और कुछ पीले कलर का भी यूज करेंगे। इस प्रकार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कुछ इस टाइप से फिर से उस पर थोड़ा थोड़ा कलर लेकर के ऐसे देख सकते हैं। इस प्रकार हम इस कलर से पत्तियां बना देंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी लगा देंगे इस प्रकार। थोड़ा थोड़ा नीचे भी घास जैसा ऐसे ऐसे बना देंगे, घास हो जाएगी इस प्रकार। देख सकते हैं फ्रेंड घास बनाना बहुत ही ईजी है। उसके लिए ऐसे तितली वाले पंख वाले ब्रश की ज़रूरत होती है इस प्रकार। फिर फ्रेंड हम डार्क नीला कलर का यूज करेंगे पेड़ में नीचे के हिस्से से ऐसे थोड़ा इस प्रकार हो जाएगा। फिर से हम पीले कलर का यूज करेंगे, ऊपर ऊपर लगा देंगे पीला कलर। देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं इस प्रकार फ्रेंड हम बहुत ही तरीके से पेंटिंग बना सकते हैं। और फ्रेंड थोड़ा ब्लैक कलर लेंगे और यहाँ पे पंछियों का ड्रॉ करेंगे चित्र, जिससे कि ये आसमान में लगेगा पक्षियाँ उड़ रहे हैं इस प्रकार। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारी पेंटिंग कैसी बनी है, कैसी लगी आप लोगों को। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगली पेंटिंग के लिए कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद फ्रेंड।